सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 साइंस टर्म 1 में क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट वन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं होगा कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि वेन लाइट रेज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस इमरजेंट बीम्स आर पैरेलल एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है ना, जब जो लाइट रेस है ना वो इंसिडेंट होते हैं पॉइंट सोर्स से कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस पे, तो जो इमर्ज होता है बीम वो पैरेलल होता है और इमेज कहाँ पे बनता है? इन्फिनिटी पे। जहाँ जिसकी अगर आप देखेंगे तो जो कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव लेंस है उसमें एक वर्चुअल इमेज बनता है और जो बीम इमर्ज होता है वो पैरेलल नहीं होता बल्कि डाइवर्जिंग होता है ना। पहले हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर को। तो ये देखिए कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और इसका फोकस है। तो मान लीजिए कोई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से फोकस से होते हुए एक लाइट ऐसा इस पर इंसिडेंट होता है, तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधा प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल होकर ये बाहर निकलता है। ठीक है, तो एक आंसर तो इसका कॉनकेव मिरर हो गया। दूसरा देखिए, अगर कोई लाइट जो है ना कॉन्वेक्स लेंस से कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से होके जाता है कहाँ से? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से ऐसा, तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से होके प्रिंसिपल एक्सिस से होके पैरेलल होके जाता है। ठीक है, तो ये फोकस वन हो गया और ये फोकस टू हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, आंसर वन। ठीक है।